हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पूरे सिलेबस में एक ये चैप्टर और एक आपका नाइन्थ चैप्टर, दैट इज़ कार्बन कंपाउंड्स। ये दो चैप्टर्स बहुत ही ईजी, इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज जो है वो है 7 मार्क्स का, बोर्ड में आ चुका है 7 मार्क्स का। और जो कार्बन कंपाउंड है वो भी वेटेज करता है 5 मार्क्स का। मतलब इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही इजी होंगे। आपको रिएक्शन दिया जाएगा या तो आपको IUPAC नेम भरने को बोला जाएगा, तो ये तो आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो इसमें रिएक्शन आपको दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर उसको लिखते कैसे हैं, फिर बैलेंस कैसे करते हैं, फिर कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस गोज बॉन्ड ब्रेकिंग टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, और उनके बॉन्ड्स जो होते हैं उन बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बनाते हैं और एक नया कंपाउंड तैयार करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन मतलब उसको लिखने का तरीका। तो फिर उसके बाद वहाँ पे सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज जो होता है दोस्तों, वो चेंज आता है टेस्ट में, pH में, प्रेशर में, और जो फिजिकल चेंज होता है वो होता है स्टेट में, सॉलिड से गैस, गैस से वाटर, और फिर उसके बाद लिक्विड। और या तो ये सब्सटेंस चेंज हुआ है पीसेज में, मतलब कि कोई सब्सटेंस ब्रोक हुआ है तो फिजिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज का पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है रिवर्सिबल, मतलब एक बार जो चेंज हुआ उसको हम लोग दोबारा उसी में ला सकते हैं क्या। जैसे अभी एक बॉटल मैंने तोड़ दिया और उसको तोड़ के मैं दोबारा जोड़ सकता हूँ क्या? अगर जोड़ सकता हूँ तो वो फिजिकल चेंज है, नहीं जोड़ सकता हूँ तो वो केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर दिया गया है आइस से वाटर बनना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? लोग बोलेंगे केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें लिक्विड चेंज हुआ है। जी नहीं दोस्तों, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि बर्फ़ से पानी बना, आप पानी को फ्रिज में ले जाइए दोबारा बर्फ़ बन जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, एक बार आपने दाल पका दिया, दोबारा उसको आप लोग उसी तरीके की दाल बना सकते हो क्या? जी नहीं, इसीलिए कौन सा चेंज है? केमिकल। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार आम, कच्चा आम, पक्के पक्का आम बन गया, उसको दोबारा कच्चा आम आप लोग बना सकते हो? इम्पॉसिबल, तो यह है केमिकल चेंज। अभी जो दूध था वो आपका दही बन गया, दूध से दही बन गया, आप दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं, मतलब वो है केमिकल चेंज। इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी गैस बन के ऊपर चला गया, इसको दोबारा आप लोग वाटर बना सकते हो क्या? आप लोग बोलोगे नहीं, बट नहीं, ये पॉसिबल है। अगर एक पानी भाप बन गया तो हम लोग अगर उसमें कंडेंसेशन करें तो वो दोबारा पानी बन सकता है, तो इसलिए फिजिकल चेंज है। जैसे एक ग्लास गिरा हाइट से और फिर उसके बाद वो टूट गया, टूटने के बाद हम लोग उसको दोबारा जोड़ सकते हैं, इसलिए है फिजिकल चेंज। स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और कपड़ा टाइल्स बाय लेमन जूस, मतलब कि शाहबादी और कपड़ा कडप्पा टाइल्स जो हैं उनका जो स्टेन आ गया उसके ऊपर, तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? और जो नेप्था बॉल्स हैं, डाइजेशन ऑफ फूड्स हैं, ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। तो इसी तरीके से आप लोग टेबल फिल करने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये एक्टिविटी दी गई है आप लोग को, आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट में करवाया जाएगा, ये आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। केमिकल चेंज होता क्या है? इफ़ द कंपोजिशन ऑफ अ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस, अगर एक ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन चेंज हुआ एक प्रोसेस में तो उसे हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज अगर हुआ है तो वहाँ पे आएगा केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन पैरामीटर सच ए टेम्परेचर और प्रेशर। और जो केमिकल चेंज होता है वो pH की वजह से। तो फिजिकल चेंज के ये पॉइंट्स हैं और ये रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, डेफिनेशन आपको दिया गया है, और इसका जो कंसर्न मैटर से ये कंसर्न रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो और ये इरिवर्सिबल होता है। तो दोनों पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हैं अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आया तो। तो ये एक छोटा सा पार्ट है चैप्टर का, मेन चैप्टर तो केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे बोला है कि केमिकल रिएक्शन, चलिए मैं ही बताता हूँ आपको। जैसे
केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों को कैसे समझना है वो वहीं पे बताया गया है। जैसे मैं लूँ C+O2, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना सिंपल लेना नहीं चाहिए मुझे 10th स्टैंडर्ड में, बट समझाने के लिए। तो C+O2 क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जो एलिमेंट्स पार्ट ले रहे हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट बना, जो कंपाउंड बना, उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये पूरे रिएक्शन को, मतलब जो पूरा रिएक्शन था C+O2=CO2, उसे हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसे हम लोग सिंबल्स से लिखते हैं। सिंबल से लिखने की आखिर ज़रूरत क्या है? अब C+O2=CO2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, C+O2=CO2 बट सोचिए ना दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे लिखा गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट इक्वल टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये इतना बड़ा और उसको यहाँ पे इतने छोटे में लिख दिया गया, तो कौन सा ईजी है? शुरुआत में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिएक्शन को इसी तरीके से लिखना शुरू किया था, बट इन्हें पढ़ने में कितना टाइम जाता था, लिखने में कितना टाइम जाता था, बट कंफ्यूजिंग भी होता था ये थोड़ा, क्योंकि इसमें एक्वा सॉल्यूशन आ जाता था, कॉपर सल्फेट आ जाता था। सॉल्यूशन अभी मैटर नहीं करता है, हायर स्टडीज़ में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। एक्वा सॉल्यूशन मतलब उसमें लिक्विड भी होगा। तो CuSO4+ZnZnSO4+Cu, ये ईजी है या फर्स्ट इक्वेशन ईजी है? अगर आपको लग रहा है फर्स्ट इक्वेशन ईजी है तो आप लोग 3-4 बार लिखें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा ईजी है। तो सेकंड वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसीलिए दोबारा जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो उन्होंने इस तरीके से रिएक्शन को लिखना शुरू कर दिया। और जो आयोनिक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड होता है जब, वो तब फॉर्म होता है जब एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, मैंने बताया है ऑलरेडी आपको। केमिकल रिएक्शन में अभी कैसे लिखते हैं हम लोग वो बताया गया है यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट, और दोनों के बीच में डिफरेंस दर्शाने के लिए एक होता है एरो, ठीक है, और एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब किस तरफ कंपाउंड बना। तो पहले को याद रखने के लिए आप लोग याद रखें एरो, तो इससे आपको याद हो जाएगा। और दूसरे में क्या है, प्रोडक्ट्स अगर दो या दो से ज़्यादा बने तो उसके बाद उन दोनों को हम लोग प्लस साइन से दिखाते हैं, जैसे CuSO4+ZN बना था तो कॉमा करके नहीं बताते हम लोग प्लस करके बताते हैं, तो दूसरे को याद करने के लिए आप लोग प्लस साइन बना के रखें। अभी तीसरे में अगर सब्सटेंस जो है वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैसियस है या एक्वस है, एक्वस मतलब कि उसमें वाटर भी रहेगा और वो थोड़ा सा सॉल्यूबल भी रहेगा, तो उसमें हम लोग जी लिखते हैं गैसियस के लिए, लिक्विड के लिए एल, सॉलिड के लिए एस और एक्वस के लिए AQ। और रिएक्टेंट जब फॉर्म होते हैं सॉल्यूशन में तो वाटर में, मतलब कि जो प्रोडक्ट बना और वो सॉल्यूशन के फॉर्म में बना है वाटर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्वस, AQ, जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें पानी रहता है। तो इसको याद रखने के लिए आप लोग SLG याद रखें, तो इससे आप लोग को याद रहेगा। अगर गैस रिलीज़ हो रही है तो आप लोग ऊपर की तरफ साइन करेंगे, और अगर सॉलिड है तो आप लोग नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे कि वो ऊपर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे CO2 रिलीज़ हुआ तो CO2 ऊपर जाएगा, इसलिए ऊपर की तरफ साइन है। अभी फोर्थ वाला दोस्तों, डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या, हीट। अगर हम सब्सटेंस में रिएक्शन कराने के लिए उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग उसमें डेल्टा का साइन लगाएंगे, जिससे इंडिकेट करेंगे कि ये बिना हीट के प्रोसेस नहीं हो सकता। वरना आप लोग लाओ कैल्शियम कार्बोनेट रख दो और बोलो कैल्शियम कार्बोनेट तुम चेंज हो जाओ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जी नहीं दोस्तों, दिस इज़ इम्पॉसिबल। यू हैव टू सप्लाई हीट इफ़ यू वांट टू डिकम्पोज द कैल्शियम कार्बोनेट। सो फोर्थ को याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, डेल्टा। अभी जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जब हीट रिलीज़ होती है तो वहाँ पे हम लोग को हीट लिखना पड़ता है, प्लस डेल्टा आप लोग नहीं लिख सकते वरना कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। अभी पाँचवें में जो है उसमें टेम्परेचर प्रेशर, अगर हम लोग को मालूम है कि कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन कैटलिस्ट है, कौन सा गैस प्रेजेंट है, तो वहाँ पे वो आपको लिखना होगा। जैसे आपको हीट सप्लाई किया बट कितना सप्लाई किया, 60°C, अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग लिखें। और उसमें अगर कैटलिस्ट दिया, कैटलिस्ट कौन होता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता बट रिएक्शन को फास्ट कर देता है। टेम्परेचर भी एक तरीके का कैटलिस्ट है, अगर हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं
तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, टेम्परेचर कम रहता है तो रिएक्शन धीरे होता है। जैसे गर्मियों में जो दाल रहती है वो जल्दी सड़ जाती है, बट ठंडी आती है तो काफ़ी देर तक वो बनी रहती है। तो जो टेम्परेचर है वो भी कैटलिस्ट है, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया बट दाल ने अपने आप सड़ना शुरू कर दिया। तो इसमें कौन कैटलिस्ट था? निकल। तो ये कैटलिस्ट है वेजिटेबल और हाइड्रोजन में। उसके बाद स्पेशल इन्फॉर्मेशन। स्पेशल इन्फॉर्मेशन मतलब वो कॉन्सनट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, कॉन्सनट्रेशन और डाइल्यूशन हम लोग समझेंगे अभी, वो सब लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब हम लोग को लिखना होगा केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग लिख रहे हैं तो। अभी तक हम लोग कैसा करते थे, डायरेक्ट लिख दिया करते थे NaOH plus HCl equal to NaCl plus H2O। जी नहीं दोस्तों, अब अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, उसमें AQSLG ये सब लिखना पड़ेगा, हीट सप्लाई किया तो वो भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट पिछले साल से लिया गया है, 4th lesson लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर अगर आप लोग ने पिछले साल पढ़ा है तो उसमें आप लोग को दिखेगा ये चैप्टर कि उसमें जो कंजर्वेशन ऑफ मैटर था कि एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का वेट रहता है 300.23 वही वेट रहता है प्रोडक्ट का 300.23। तो बोर्ड में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो उसमें बोलेगा राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो AgNO3 नहीं लिखना है आपको, आपको लिखना है सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड जो भी बना। तो इस तरीके से आप लोग को लिखना होगा, डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड आर द रिएक्टेंट एंड सिल्वर क्लोराइड एंड द सोडियम नाइट्रेट आर द प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा डज इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि मास का जो लॉ है उसको ये फॉलो करता है क्या, और करता है तो क्यों करता है। तो ये फॉलो करता है क्योंकि जो रिएक्टेंट का साइज है वही प्रोडक्ट का भी वेट है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और एक कूल फैक्ट दिया गया है कि वोटर्स की जो इंक होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया जाता है जिसके वजह से वो जल्दी निशान जाता नहीं है। अब केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशन मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट साइड में हैं वही नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड में मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो उसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, और अगर अलग अलग हैं नॉट सेम है तो हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बताया गया है, अगर आप लोग ने 9th में नहीं सीखा है तो 10th में सीख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना। हो सकता है आपको बोर्ड में अनबैलेंस्ड इक्वेशन आए, 2 इक्वेशन आए और 3 मार्क का आपको बोल देगी आप बैलेंस करके दीजिए स्टेप वाइज। स्टेप वाइज मतलब आपको थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा कि इट हैज़ 4 एटम्स हेंस वी हैव टू राइट कोएफिशिएंट 3, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, जैसे NaOH प्लस H2SO4 इक्वल Na2SO4 प्लस H2O बना, ठीक है। अब हमें पता करना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। NaOH प्लस H2SO4 इसमें कौन कौन से एलिमेंट है वो लिख लेते हैं, इसमें Na है, O है, H है, S है, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, तो हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कि जो रिएक्टेंट है मतलब लेफ्ट साइड में उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, Na 1 है तो 1 हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद O कितना है, O 1 है और इधर 4 है मतलब 5 O है। फिर उसके बाद H 3 है, फिर S 1 है, SO4 है दोस्तों, पूरा S4 नहीं है तो इसीलिए आप लोग को सिर्फ 1 लिखना है S। उसके बाद अभी राइट साइड में देखते हैं प्रोडक्ट की साइड, तो Na कितना है यहाँ पे 2, S कितना है 1, O कितना है 5 और जो सल्फर है वो कितना है 1 और जो हाइड्रोजन है वो कितना है 2। अब देखते हैं क्या क्या कमियाँ हैं इसमें। इसमें जो ऑक्सीजन है वो 5-5 है, सल्फर जो है वो 1-1 है, प्रॉब्लम आ रही है तो Na में वो 1 यहाँ पे है और उसमें 2 है, इसमें 3 यहाँ पे, उसमें 2 है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को कोएफिशिएंट्स लिखना पड़ेंगे। कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो Na है उसके बाजू में हम लोग लगा देंगे 2 अगर लगा देंगे तो 2 Na हो जाएगा, 1 × 2 तो 2 NaOH हो गया। तो उसके बाद जब 2 NaOH हो जाएगा तो O भी 2 हो जाएगा, 2 O होगा मतलब 6 O हो गया और जो H है वो भी 4 हो गया। अब उसके बाद ये अनबैलेंस हो गए, अभी H को बैलेंस करना है तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँगा
दो लगाऊंगा तो हाइड्रोजन चार हो जाएगा, ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी दो हो गया, वो भी छः हो गया। और क्या बचा, अभी एन ए भी बैलेंस हो चुका था। बैलेंसिंग आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब आपको एन ए ओ एच के बाजू में टू लगाना था और एच टू ओ के बाजू में टू लगाना था। अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, ये रहा दोस्तों, यहाँ पे देखिए एन ए ओ एच के बाजू में टू लगा दिया जिससे डबल एन ए हुआ, पर उसको लगाने के बाद जो बाकी चीज़ें थी वो अनबैलेंस हो गई। जैसे यहाँ पे लिखा है छः ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे पाँच ही बचे, यहाँ पे चार हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे दो ही बचे, जबकि यह सल्फ़र बैलेंस्ड था बट एन ए बैलेंस हो गया। अभी अगर मुझे H को बैलेंस करना है तो मुझे H पे 2 लगाना होगा, और H पे 2 लगाऊंगा तो H 4 हो जाएगा, और जैसे ही H2O बैलेंस होगा तुरंत ही O भी बैलेंस हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि बैलेंस कैसे करना है, और आपको 2 रिएक्शन के जो कंपाउंड है उसके बाजू में ही लिखना है, NaOH के आगे 2 ऐसा नहीं लिखना है। आप अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको यहीं पर लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं, और फाइनल इक्वेशन को हम लोग को आखिरी में इस तरीके से लिख देना है। तो ये स्टेप्स थे, चार स्टेप्स में आपको कंप्लीट करना है इक्वेशन को। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बैलेंसिंग करना आ गया होगा। अभी हम लोग सीखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं, और एक एक करके सभी टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया केमिकल रिएक्शन के टाइप पर, वो किया गया नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर, कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन किया गया। तो उसके बेसिस पे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा, और प्रोडक्ट बनाते हैं मात्र एक, जैसे C+O2 = CO2। प्रोडक्ट बना एक, पार्टिसिपेट किया था दो लोग ने, कार्बन और ऑक्सीजन ने, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है NH3+HCl = NH4Cl। यहाँ पे दो लोग कंबाइन हुए एक ही प्रोडक्ट बना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO+H2O = CaOH2, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे ही 2Mg+O2 = 2MgO, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। आपको ये रिएक्शन दे दिया जाएगा, फिर लिखेगा फाइंड द टाइप ऑफ द रिएक्शन, राइट द डेफिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन, एंड राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ऐसा तीन क्वेश्चन पूछेगा और आपको 3 मार्क के लिए आ जाएगा, वहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। और उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन जो पूछेगा तो उसमें आपको डेफिनेशन इस प्रकार से लिखना है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं एक रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट थे या दो से ज़्यादा और प्रोडक्ट बनता था एक, इसमें रिएक्टेंट रहेंगे एक और प्रोडक्ट बनेगा दो या दो से ज़्यादा। जैसे CO2 को अगर मैं हीट सप्लाई करूँ तो ये बनेगा C+O2, कार्बन अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे शुगर में अगर मैं डीकम्पोजिशन करूँ तो 12 कार्बन निकलेंगे और 11 वाटर। तो इस तरीके से हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने हीट सप्लाई किया तो बना CaO+CO2। समझा आप लोग को कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट थे से, उसे हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ से थोड़े हार्ड टॉपिक शुरू होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया, पहला दिया है CuSO4+Fe, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा FeSO4 और जो यहाँ बचेगा वो बचेगा Cu। तो Fe जो था वो SO4 के साथ हो जाएगा और बचेगा Cu, यहाँ पे Pb हो जाएगा SO4 के साथ, बचेगा Cu। मतलब SO4 को Pb और पहले रिएक्शन में SO4 को Fe डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि
जो फेरस है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सल्फेट, जिसके कारण वो उसकी जगह को छीन ले रहा है, उसे डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन। मतलब एक रिएक्शन में कोई अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, और जब वो रिएक्शन करेगा तो खुद का कंपाउंड, खुद का आयन बनाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें दोनों ही जगहों पर चेंजेस होंगे, जैसे NaOH प्लस HCl। अब इससे हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा NaCl प्लस H2O। यहाँ पे जो Cl था उसकी जगह पे आ गया O, जगह छीन ले गई। यहाँ पे जो Na के साथ OH था उसके जगह पे आ गया Cl। मतलब दो दो जगहों पर चेंजेस हो रहे हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द आयन्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड, वो रिएक्शन जिसमें जो आयन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाएं एक दूसरे से प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट बनाना मतलब कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट अंदर जाना, एंडो मतलब होता है अंदर और थर्म मतलब होता है हीट, एक्सो मतलब होता है बाहर और थर्म मतलब होता है हीट। तो इसी तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं एंडोथर्मिक। अगर आप लोग को पहचानना है तो सीधा सीधा रिएक्शन में ऊपर हीट छपा रहेगा। जैसे एक्सरसाइज में से मैं कुछ क्वेश्चंस को लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले वाले में KClO3 था, उसमें हीट दी गई, मतलब हीट दिया गया बाहर से, या तो एब्जॉर्ब कर लिया या तो उसको किसी ने सप्लाई किया, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे ही CaCO3 को हीट दिया गया तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले में हीट नहीं दिया गया है, हीट रिलीज हुआ है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट को बाहर छोड़ा गया है। तो वही होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग और सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब अ रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट लिबरेट हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या गिवन आउट, लिबरेट की जगह लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी होगा यहाँ पे डेल्टा मतलब ट्रायंगल नहीं बना होगा, तो उस समय आपको खुद पहचानना होगा कि वो हीट दिया होगा या नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, हीट यहाँ लिखा होगा, एरो के यहाँ हीट लिखा हुआ है मतलब एंडोथर्मिक, वहाँ लिखा हुआ है तो एक्सोथर्मिक, एरो के ऊपर डेल्टा है मतलब एंडोथर्मिक। इस तरीके से आप लोग रट्टा भी मार सकते हो, बट समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट दोस्तों, कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जो बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जो बहुत स्लोली स्लोली होते हैं। जैसे मिल्क को अगर हमें कर्ड में बनाना है तो जब समर आता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो बहुत ही जल्दी से बन जाता है, लेकिन जब विंटर सीज़न रहता है तो दही जमने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, पांचों जो फैक्टर है वो आपको याद रखने हैं, और किन्हीं दो फैक्टर्स को डिटेल में याद रखना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, राइट द नेम ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। जैसे सबसे पहला जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ़ द रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्टेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, उसका नेचर कैसा है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, सॉल्यूबल है या नॉन सॉल्यूबल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, जल्दी रिएक्ट करेगा, कम रिएक्ट करेगा, वो नेचर उसका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी
पोटेशियम है आपका, तो पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर जाएगा। और जो क्लोरीन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा ही होता है, तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। तो नेचर ऑफ़ द रिएक्टेंट, और इनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे 8th चैप्टर मेटलर्जी में। अब साइज़ ऑफ़ द पार्टिकल ऑफ़ द रिएक्टेंट, ये कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे अभी आप लोग पानी लो, पानी में आप लोग नमक डालो, नमक डालोगे तो वो तुरंत गायब हो जाएगा, आपको ज़्यादा घुमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फटाक से गायब हो गया। अभी आप लोग पानी लो, पानी में चीनी डालो, चीनी डालने के बाद घुमाओ, आप लोग 10 मिनट तक घुमाओगे तब कहीं पूरा वो गायब होगा। और फिर उसके बाद आप लोग पानी में आलू डाल दो और उसके बाद घुमाते रहो, वो गायब ही नहीं होगा। तो मतलब जितना कम साइज़ रहेगा, नमक का सबसे कम साइज़ था इसीलिए वो तुरंत रिएक्ट कर गया वाटर से, NaCl प्लस H2 वो तुरंत हो गया और वो बन गया NaOH प्लस HCl। तो फटाक से वो रिएक्ट हुआ और फटाक से उसका रिएक्शन हो गया। पर जो शक्कर थी, चीनी जो था, वो उसका जो साइज़ है वो नमक से ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू नमक उसका साइज़ बहुत ज़्यादा रहता है नमक के मुकाबले देखे तो, इसीलिए वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट हुआ और बहुत समय बाद उसका रिएक्शन कम्प्लीट हुआ। वैसे ही होता है शाहबाद टाइल्स के साथ। शाहबाद टाइल जो होती है वो बड़ी होती हैं, अगर उसको हम लोग लाइमस्टोन में, लाइमस्टोन रहता है वो, अगर हम लोग उसके साथ रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो बहुत ही स्लोली होगा। लेकिन जो उसके पाउडर्स रहेंगे, अगर हम लोग उसके पाउडर को उसमें डालें तो फटाक से रिएक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये कैसे, क्योंकि जितना कम साइज़ रहेगा उतना ज़्यादा प्लेस रहेगा रिएक्शन के लिए, और जितना ज़्यादा साइज़ रहेगा उतना कम प्लेस रहेगा रिएक्शन होने के लिए। तो कैसे हो पाएगा, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे घर पे 3-4 लोग हैं, चारों लोग को अभी खाना चाहिए, पर खाना पकाने के लिए जगह ही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जितना ज़्यादा जगह उतना जल्दी काम। तो साइज़ ऑफ़ द पार्टिकल ऑफ़ द रिएक्टेंट, साइज़ बड़ा रहेगा तो रिएक्शन स्लो होगा, साइज़ कम रहेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको मेनली याद कर लें। रिएक्शन विल बी फास्ट व्हेन द साइज इज लेस, तो स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट हायर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, लार्जर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट स्लो इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या दोस्तों, आप वो वाला कॉन्सेंट्रेशन मत समझिए जो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन दो चीज़ होती हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि उसमें उस चीज़ की मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहेगी। जैसे आप 10 चम्मच चीनी डालो और उसमें 2 चम्मच पानी डालो, तो वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन अभी आप लेकर आओ जूस, ठीक है, जूस को लेकर आओ एकदम ओरिजिनल, और उसमें डाल दो पानी, पानी डाल दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट हो जाएगा मतलब उसमें चेंजेस आ जाएंगे। जैसे अभी जितना ज़्यादा उस चीज़ की मात्रा रहेगी उतना ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, जितना उसमें मिलावट करेंगे उतना ज़्यादा वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं ओरिजिनल जूस पीऊँ, कॉन्सेंट्रेटेड जूस पीऊँ, तो मेरे अंदर ज़्यादा जल्दी एनर्जी आएगी कि मैं पानी डाल के पीऊँ, डाइल्यूट करके पीऊँ, तब मेरे अंदर ज़्यादा जल्दी एनर्जी आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही जवाब दिया। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जूस पीऊँ जो कॉन्सेंट्रेटेड हो, उसमें सिर्फ जूस हो, वाटर वाटर किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो, तो जल्दी रिएक्शन होगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर देन द रिएक्शन विल बी फास्टर, व्हेन द डाइल्यूशन इज़ मोर द रिएक्शन विल बी स्लोवर। यहाँ पे वही बताया गया है कि जो HCl होता है वो डाइल्यूट हो तो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, बट अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो मतलब उसमें सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हो, तो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है। तो समझ में आया होगा मुझे लगता है आपको, कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब उस चीज़ की जितनी ज़्यादा मात्रा रहेगी, जितना कम डाइल्यूशन रहेगा उतना जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। अब टेम्परेचर को भी आप लोग पढ़ सकते हो, ईजी है। जैसा मैंने बताया कि मिल्क दही में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो समर टाइम पे, लेकिन ठंडी में दूध से दही बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। हायर द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन फास्टर इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन,
लोअर द टेम्परेचर ऑफ़ द रिएक्शन लोअर द रेट ऑफ़ द रिएक्शन, मतलब कि अगर हम लोग फ्रिज में किसी चीज़ को रख दें तो वो जल्दी सड़ेगा ही नहीं, उसमें रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लो है, और उसी चीज़ को मैं बाहर लेकर आ जाऊँ तो चीज़ 2 से 3 दिन में सड़ जाएगी अगर कोई खास रहेगा तो, अगर दाल वाल है तो वो तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से टेम्परेचर भी मैटर करता है। फिर आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब वो जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, फास्टर कर देता है, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं लाता है, मतलब वो खुद वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस वो बाहर से ही उस रिएक्शन को तेज कर देता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे तो KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट, वैसे तो स्लोली स्लोली डिकम्पोज होता है, लेकिन उसमें अगर मैं डाल दूँ मैंगनीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2, ये मैं अगर उसमें डाल दूँ तो वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में कारगर होता है, जल्दी रिएक्शन कर देता है। तो मुझे लगता है कि आपको कैटलिस्ट पढ़ लेना चाहिए 2 में, और एक पढ़ लेना चाहिए साइज़ ऑफ़ द पार्टिकल ऑफ़ द रिएक्टेंट। 2 पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट में आप पहला पॉइंट डेफिनेशन लिख देना और दूसरा पॉइंट ये एग्जांपल दे देना और इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख देना, फिर आपका 3 पॉइंट यहाँ हो गया, और साइज़ वाले में आप लोग एग्जांपल दे देना शाहबाद टाइल्स वाला, इससे आपका काम हो जाएगा। और 5ों का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि हम लोग को मालूम है क्या, मतलब ये कुछ कूल फैक्ट्स है, चलिए पढ़ते हैं। पहला कूल फैक्ट ये है कि 1 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं हर केमिकल चेंज में, मतलब अगर दूध से दही बना तो वो केमिकल चेंज है, तो उसमें एक रिएक्शन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। ये चैप्टर मैं Science 2 के 7वें चैप्टर में मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। जैसे जब दूध से दही बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलाई रहता है, उससे लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टोबैसिलस बनता है, मिल्क में प्रोटीन होता है जो कैसीन होता है वो भी कन्वर्ट होता है, तो इससे रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। तो सोचिए कितने सारे रिएक्शन होते हैं। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस तेज होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन स्लो, ये हमें मालूम था। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली, मतलब फटाक से रिएक्ट हो जाते हैं अगर एसिड भी तेज हो और बेस भी तेज हो। हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो रेट चेंज करते हैं साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस का। पेरिशेबल फूड स्टफ्स रेफ्रिजरेटर में इसलिए देर तक संभाल के रखे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो वेजिटेबल्स होते हैं वो जल्दी से पक जाते हैं तेल में, वाटर की जगह, वाटर में जो होता है उसका रिएक्शन तेज़ी से नहीं होता है, ऑयल में तेज़ी से हो जाता है, इसलिए तुरंत वो पक जाते हैं। केमिकल रिएक्शन प्रॉफिटेबल है केमिकल फैक्ट्रीज़ में, अगर रेट तेज है तो। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिएक्शन तेज नहीं होगा तो एनवायरमेंट में बैलेंस बना नहीं रहेगा। ओजोन लेयर है जो अर्थ का एटमोसफियर का, वो प्रोटेक्ट करता है लाइफ ऑफ द अर्थ। कैसे प्रोटेक्ट करता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं सन से उनको वो प्योरीफाई कर देता है और नॉर्मल रेज यहाँ पे भेजता है, और जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है वो रेट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन है ओजोन मॉलिक्यूल्स का। ओजोन मॉलिक्यूल्स को जितना ज़्यादा हम डिस्ट्रॉय करेंगे उतना ज़्यादा वो रिएक्शन स्लोली स्लोली कर देंगे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट कंबाइन होगा ऑक्सीजन से या फिर वो छोड़ देगा हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये मार्क कर लें आप लोग, एक एग्जांपल याद कर लें नॉर्मल वाला 21। C+O2=CO2, इसमें कार्बन ने ऑक्सीजन को ले लिया, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। MgH2, इसमें Mg ने अलग कर दिया H2 को, मतलब हाइड्रोजन लीव कर दिया, लूज कर दिया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें, तो ये हम लोग के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गए। अभी यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऑक्सीजन अवेलेबल करा के देते हैं उन्हें ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोग बोलते हैं। और ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल में इन्होंने ये कैटलिस्ट डाला
तो एसिटिक एसिड मतलब इथेनॉल इथेनॉइक एसिड बन गया, और पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे था जिसने ऑक्सीजन अवेलेबल किया। तो ये नाम याद रख ले, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके बिना वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, एज अ कैटलिस्ट इसने काम किया। और यहाँ पे आप लोग देखें तो ये आयोनिक रिएक्शन से मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब रिडक्शन रिएक्शन का एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, अगर दिया है तो रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, चलिए मैं ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल सोचते हैं हम लोग, जैसे MgO, 2MgO है हम लोग का, जिसमें से Mg को मैंने अलग कर दिया और O2 को अलग कर दिया, मतलब ऑक्सीजन मैंने लूज कर दिया, तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, मतलब अगर सब्सटेंस ने ऑक्सीजन लूज कर दिया या हाइड्रोजन ले लिया तो उसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और अगर हम लोग आयोनिक रिएक्शन के हिसाब से बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, गेन करना, तो उसी तरीके से होता है। विच इज़ द रिडक्टेंट इन दिस रिएक्शन एंड विच रिएक्टेंट हैज़ अंडरगोन रिडक्शन। अभी यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे रिडक्टेंट कौन था इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो Cu था, क्योंकि उसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो रिडक्शन रिएक्शन था। बट कभी कभी क्या होता है कि दोनों रिएक्शन होता है, जैसे यहीं पे आप लोग देख लें कि H2 ने तो ऑक्सीजन ले लिया बट Cu ने तो ऑक्सीजन छोड़ा था, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली तो उसे हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा यहाँ पे आप लोग देखें H2S+SO2, यहाँ पे H2 ने ऑक्सीजन को गेन किया बट S ने तो ऑक्सीजन को लूज़ किया, मतलब ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक रिएक्शन आप लोग याद कर लें, हो सकता है बोर्ड में आ जाए। फिर यहाँ पे पूछे अगर ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करना तो रिडक्शन का मतलब क्या, तो रिडक्शन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब यहाँ पे आपको कुछ डू यू नो करके दिया गया है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, हियर द मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम कॉल्ड साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन। यहाँ पे छोटे में आपको बताया गया है कि जो एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम, वो ऑक्सीडेज होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, जिससे ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग को लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना होगा, उसमें भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बारे में था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, मतलब ऑक्सीडेशन अगर हम लोग केमिस्ट्री के टाइप में देखें तो ये है, बट फिज़िकली अगर हम लोग उसको देखें जैसे इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन अलग है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब आता है एक हम लोग का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, करोज़न। करोज़न क्या होता है, करोज़न का मतलब होता है दोस्तों रस्टिंग। रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। जैसा भी एक न्यू व्हीकल है, शाइनी व्हीकल है, अगर वो ज़्यादा दिन तक रखी रह जाए तो उसके ऊपर एक रेडिश कलर मतलब लाल रंग का एक ललछऊ सॉलिड लेयर आ जाएगा उसके ऊपर, लाल सा, और मेटेलिक सरफेसेस पर ये अक्सर आ जाता है, और ये जो लेयर आ जाएगा इसे हम लोग बोलेंगे रस्ट। और रस्ट का केमिकल फार्मूला है Fe2O3.XH2O। तो ये उसका केमिकल फार्मूला आप लोग याद रख लें, बोर्ड में आ चुका है दोस्तों, 5 मार्क्स का आया था। सबसे पहले उसका केमिकल फार्मूला पूछा था, फिर ये रिएक्शन पूछा था, फिर नीचे वाला एक रिएक्शन, और फिर व्हाट इज़ करोज़न, व्हाट इज़ रस्ट, तो ये दो डेफिनेशन भी पूछे थे। तो डेफिनेशन भी आप लोग पढ़ते चलें।
बट एक बार आ चुका है तो दूसरी बार आने का चांस कम है। अभी इसमें एनोड रीजन पे रिएक्शन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा जो फेरस होगा, और फिर कैथोड रीजन में जब रिएक्शन होगा तो चार इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, और फिर उसके बाद फाइनली उसको मिल जाएगा रस्ट Fe2O3.H2O। अ रेडिश कलर्ड हाइड्रेट ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम Fe3 आयंस, इट इज़ कॉल्ड रस्ट, या फिर ऊपर वाला भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। फिर करोजन क्या होता है, ये तो रस्ट है। करोजन मतलब कि जब ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल्स का तो कुछ डैमेज हो जाती है चीज़ों पे, और उन डैमेज के कारण जो ऑक्सीडेशन हुआ था उसे हम लोग बोलते हैं करोजन, मतलब ऑक्सीडेशन के कारण जो डैमेज हुआ उसको। आयरन रस्ट एंड रेडिश कलर्ड लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट, और उसके बाद वहाँ पे ये कलेक्ट किए जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं करोजन ऑफ आयरन। और जो करोजन है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसे हम लोग 8th लेसन में डीप में पढ़ेंगे। अब आता है हम लोग का रैंसिडिटी। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ रैंसिडिटी, गिव एनी टू वेज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो सबसे पहले रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रैंसिडिटी मतलब कि जो गंदी बदबू आती है जो खाने बचे हुए रहते हैं उनसे, उसको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। जब भी हम लोग कोई पुराना मतलब दो दिनों से रखा हुआ खाना जब हम लोग खोलते हैं तो उसके अंदर से जो बदबू आती है फॉल ऑर्डर, उसको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। और अगर वो ऐसे ऑयल में बना रहेगा तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम और फ्राइड फूड इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट अंडरगोज एयर ऑक्सीडेशन एंड बिकम्स रैंसिड। और ये जब एडिबल ऑयल में पकाए जाते हैं और फिर ये कुछ दिनों तक ऐसे ही रखे जाए तो एयर्स पर एक्सपोज होके इनके जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। एयर पे जब एक्सपोज होंगे तो ऑक्सीडेशन होगा जिसके कारण ये रैंसिड हो जाएंगे, और उसके बाद इनके अंदर होगा रैंसिडिटी। बट रैंसिडिटी जो होता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करके, या तो उन चीज़ों को कंटेनर एयर टाइट कंटेनर में यूज़ करके, क्योंकि अगर एयर टाइट कंटेनर है तो उसमें एयर जा नहीं पाएगा, और एयर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो रैंसिडिटी नहीं होगी। तो ये था हम लोग का 3rd चैप्टर दोस्तों। चैप्टर ईजी है बट आपको गिव रीज़न अच्छे से याद करने हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन के पूरे डेफिनेशंस आपको याद करने हैं, हर एक टाइप के रिएक्शन का एक एक एग्जांपल याद करना है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में फ़र्क आपको पहचानने आना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना है। 5 मार्क्स का आ चुका है बोर्ड में, हो सकता है आपकी बार 3 मार्क्स का आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट ईयर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ईयर हम लोग थोड़ा सा उसमें डीप में पढ़ेंगे।